लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर सोमवार को खबर आई कि उनका चयन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज को लेकर किया है। इसके बाद से सोशल मीडिया में उनके चयन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना परीक्षा दिए ही अंजलि का नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आ गया है, क्योंकि वो भाजपा नेता की बेटी है। कई कांग्रेस समर्थक समेत ट्विटर यूजर्स ने इसे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म कहा है। उनके कई मॉडर्न तस्वीरें शेयर करके ये दावा किया गया है कि वो तो मॉडल है और उन्हें केवल उनके लुक्स पर चुन लिया गया है, उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है। विपक्षियों ने इस दौरान कई भ्रामक फैलाया कि सिविल सर्विसेज में राजनेताओं का कोटा है और अंजलि उसी कोटे के जरिए चुनी गई है। अब सच क्या है? क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आरक्षण के जरिए कोई बिना परीक्षा दिए चुना जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे इल्जाम पूरी तरह से फर्जी हैं। रिजर्व लिस्ट का मतलब रिजर्व कोटा नहीं होता है। हकीकत में यूपीएससी दो लिस्ट बनाती है, एक मेन लिस्ट और दूसरी रिजर्व लिस्ट। मेन लिस्ट तत्काल प्रकाशित कर दिया जाता है, लेकिन रिजर्व लिस्ट गोपनीय रखी जाती है। ये लिस्ट तब पब्लिश होता है जब मेन लिस्ट के सभी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है। ये सिविल सेवा परीक्षा 2019 के नियम 16 के अनुसार किया जाता है। इस नियम के अनुसार मुख्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों की कुल संख्या में कटौती की जाती है, जो निर्धारित सामान्य योग्यता स्तर पर या उससे अधिक योग्यता प्राप्त करते हैं। नतीजतन उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार उम्मीदवारों की कटौती की गई संख्या के लिए एक आरक्षित सूची तैयार की जाती है। इस नियम को बनाने की वजह यह है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य मानकों पर चुने गए होते हैं, वो सामान्य श्रेणी के बजाय अपनी आरक्षण स्थिति के आधार पर सेवाओं और कैडर का चयन करना चाहते हैं। तब सामान्य श्रेणी की सीटें खाली रह जाती हैं, बची हुई सीटों को भरने के लिए आरक्षित सूची के उम्मीदवार का उपयोग किया जाता है, जिसमें सामान्य और आरक्षित श्रेणी दोनों उम्मीदवार शामिल होते हैं। अब चूंकि ये ज्ञात नहीं होता है कि जनरल कैटेगरी में पास होने वाले कितने रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट लेते हैं और जितने जनरल कैटेगरी के, तो इसलिए रिजर्व लिस्ट को सिर्फ मेन सूची में चुने गए नामों की लिस्ट के मिलने के बाद ही जारी किया जाता है। जैसा ही सारी प्रक्रिया पूरी होती है, फिर मेरिट के हिसाब से रिजर्व लिस्ट निकलती है। इसलिए ये साबित होता है कि यूपीएससी में आरक्षण का कोटा नहीं होता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सेकंड मैरिट लिस्ट नहीं निकलती है या कोई वेटिंग लिस्ट निकलती है। ये प्री और मेन परीक्षा दोनों वाले अभ्यर्थियों में से निकाली जाती है। किसी प्रकार का अलग से कोई आरक्षण बिल्कुल नहीं होता है। पिछले साल देखें तो कुल वैकेंसी 927 थी, लेकिन रिजल्ट केवल 829 अभ्यर्थियों का निकला था, यानी बाकी की सीट रिजर्व लिस्ट के लिए बची थी। जिसका मतलब साथ है, साफ है कि 98 आरक्षित छात्रों ने सामान्य सूची के अभ्यर्थियों के लिए तय मानकों पर नंबर पाए और इनमें से 89 कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए खाली सीटों को नहीं चुना। इसलिए जब उन सीटों पर रिजल्ट घोषित हुआ तो इनमें से एक ओम बिरला की बेटी है। इस 89 अभ्यर्थियों की सूची में 73 सामान्य सूची, 14 ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस और एक अनुसूचित जाति के कैंडिडेट होते हैं। अंजलि का नाम 67वां है। इसका अर्थ है कि उन्होंने परीक्षा दी और उसे उत्तीर्ण करने वाले अंक भी प्राप्त किए। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि केवल भाजपा नेता की बेटी होने के नाते उनका चुनाव सिविल सेवा परीक्षा के लिए किया गया है। आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे ऊंची परीक्षा होती है। इसके बाद से भारत में किसी भी सरकारी पद के लिए परीक्षाएं नहीं होती हैं और ऐसे में इसमें धांधली को लेकर जो सवाल उठाते हैं उन्हें शायद इसका ज्ञान नहीं होता है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।